A very lovely suit. I like the method. And of course, Mr. Kishore Dattani, ladies and gentlemen. I think it's a tough competition with the suits. Mr. Rajesh Piprotha, ladies and gentlemen. And of course, judges ki baat hum bahut zaruri hoti hai karna. We are gonna definitely call them on stage. So, मैं चाहूंगा कि नटवर सर के साथ प्लीज एक बार या ईला ठक्कर मैम टू प्लीज कम ऑन स्टेज. जोरदार तालियां होनी चाहिए बिकॉज दीज पीपल आर द वंस हु हैव यू नो रियली मेड इट पॉसिबल. हाँ बिल्कुल, पिक्चर्स अभी बहुत सारी होंगी. ये तो जस्ट यू नो इट्स अ वेरी फर्स्ट इंट्रोडक्शन. Let me tell you, of course, the format. इनसे पहले हम बहुत सारी बातें करेंगे, बट फॉर्मेट के बारे में हमें पता होना बहुत जरूरी है. The singing superstar and the dancing superstar will follow a competitive format where aspiring singers and dancers from diverse backgrounds will showcase their skills, and of course, will be competing with each other in USA. And of course, contestants will undergo rigorous training. They will, of course, face challenges and receive valuable feedbacks from the gurus, from judges, and of course, from the audiences. That's a very important feedback. And of course, it's going to make each episode a roller coaster of emotion and thrilling experience for the very first time in USA. और अगर बात की जाए मिशन की, मिशन है ऑफ यूनाइटेड प्रोडक्शन इज टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर रॉ टैलेंट टू शाइन, नर्चरिंग क्रिएटिविटी एंड पैशन व्हाइल एंटरटेनिंग एंड इंस्पायरिंग ऑडियंसेस वर्ल्ड वाइड. मैं होस्ट हूं तो मैं चाहता हूं होस्ट की जोरदार ताली होनी चाहिए. और ऑफकोर्स बहुत सारी बातें और भी हैं. हम चाहते हैं जो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं उनको थोड़ी देर आपको वेट करवाएं और मंच पे बुलाएंगे, मगर उससे पहले अमित मैं चाहूंगा इस शो के बारे में जो इतिहास में पहली बार होने जा रहा है यूएसए में, द सिंगिंग सुपरस्टार द डांसिंग सुपरस्टार यूनाइटेड प्रोडक्शन लेके आया है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हेलो, बोलिए आवाज आ रहा. हेलो, या हाय एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम यू ऑल. बिफोर आई आंसर टू द क्वेश्चन व्हाट ही हैज सेड, मैं सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, एस्पेशली माई टीम, माई पार्टनर्स, ऑल माई स्पेशल जजेस जो कि हमारे आमंत्रित लोग हैं उनका थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. टॉकिंग अबाउट द शो, इंडिया के अंदर काफ़ी सारे शो बन के आ रहे हैं, यू नो इट इज़ वेरी इंस्पायरिंग फॉर अस. जब देखते हैं कि ये हुनर ये लेवल तक जाते हैं, वेन दे गेट चांस इट्स रियली हैप्पी टू सी, इट्स सो मोटिवेटिंग. लेकिन ये चांस शायद US में, जब इंडिया के बाहर, अभी हम US को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन इंडिया के बाहर जो भी हमारे इंडियंस हैं उनको ये मौका नहीं मिलता कि वो आके यहाँ परफॉर्म कर पाए, यू नो. सो दिस इज द टाइम, दिस इज द चांस फॉर देम टू रियली हाईलाइट देयर शो. इसीलिए हम एक नहीं दो शो एक साथ लेकर आ रहे हैं, दैट इज सिंगिंग एंड डांसिंग सुपर स्टार, एंड वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू शेयर विद यू सो मेनी अमेजिंग सरप्राइज इज कमिंग फॉरवर्ड. एंड या दैट इज बेसिकली द शो. एंड आई विल रियली लाइक टू थैंक मिस्टर नटवर ठक्कर हु इज हेल्पिंग अस to promote this show in USA. Without his help, ये possible नहीं था. So I really thank a lot, everyone. Established even an artist management organization located in United States. तो अगर आप USA में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो definitely they are definitely the right people with vast experience of 30 plus years, man. It's a long, long time. Roshni Production is widely regarded as an important contributor to Indian cultural events here in USA. Roshni Production LLC, we obviously worked alongside non-profit organization, the different Indian association, promotional and artist management company across the USA to ensure the artists and musicians are available to all of the Indian communities in America. Zordar taaliyan once again for Mr. Network Thakkar and Mr. Nimaj. Suresh ji, namaskar. And sabse pehle main Suresh ji ka iske liye shukriya ada karunga ki 4 saal pehle main aur Suresh ji शो में हम लोग मिले थे. उसी दिन मुझे ये चीज़ का दिमाग में कॉन्सेप्ट आया था, तो मैंने सबसे पहले सुरेश जी को ये बताया था कि सुरेश जी मुझे अमेरिका में रियलिटी शो स्टार्ट करना है. उसकी वजह ये थी कि सुरेश जी का पूरा अमेरिका में एकेडमी है, तो मुझे मालूम था, सुरेश जी को मालूम था कि अमेरिका में कितने बच्चे ऐसे हैं कि जो यहाँ के बच्चे के साथ कॉम्पिटिशन कर सकते, इतने टैलेंटेड बच्चे हैं.
और दूसरा आजकल ये हो गया है कि वहाँ पर जितने भी शोज आते हैं तो शोज तो होते हैं, लेकिन वहाँ खुद की टैलेंट, अपने बच्चों की टैलेंट स्टेज पे लाने के लिए पेरेंट्स बहुत कोशिश करते थे। तो ये सब मैंने माइंड में रखे। लास्ट ईयर में, दो साल पहले कोविड अगर नहीं आया होता तो ये शो सुरेश जी के वजह से साथ हम 4 साल पहले मार्केट में इंट्रोड्यूस कर चुके होते, लेकिन हमारा कोविड की वजह से थोड़ा डिले हुआ। वापस लास्ट ईयर में सुरेश जी को मिला, फिर मैं जब इंडिया में हर साल दिसंबर जनवरी में इधर ही होता हूँ, उसी टाइम पे अमित से मेरी मुलाकात हुई। अमित एक ऐसा डायनामिक लड़का मुझे मिल गया कि जिसके पर मैं भरोसा कर सकता था, उसके पास टैलेंट थी, हार्ड वर्किंग था। तो मैंने ऐसे ऑब्जर्वेशन होता है हम सीनियर लोगों का, तो मुझे लगा कि ये बच्चे के साथ मुझे ये प्रोजेक्ट करना चाहिए। फिर वापस मैं सुरेश जी के पास गया, मैंने कहा सुरेश जी ये लड़का आपके पास आएगा और हमें ये शो USA में करना है। बाद में इमीडिएटली थोड़ा मैथमेटिक्स की वजह से सब ध्यान में रखना पड़ता है, और मेरे बेस्ट फ्रेंड जेडी मजेट के, आप यहाँ मालूम है कि पायोनियर है बिजनेस में, उनके पास मैं काफ़ी का इस सब्जेक्ट की मैं डिस्कशन करता था। तो एक साथ दो शो हमने इसके लिए किया कि फाइनेंशियली भी सपोर्ट हो जाए और डांसिंग और सिंगिंग दोनों बच्चे हम लोग कवर कर सकें। तो डांसिंग में पूजा जी और जावेद जी ने हमें इतना अच्छा सपोर्ट किया, थैंक यू जावेद जी एंड पूजा, क्योंकि जावेद जी आप सब जानते हैं कि बहुत ही पायोनियर, ये इंडस्ट्री के सबसे पायोनियर अगर है डांसिंग के शो में तो जावेद जी। एब्सोल्युटली जोरदार तालियों पर जावेद नाफी सर। और जावेद नाफी साहब से आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने जॉनी भाई से बात किया, विद इन 24 आवर्स उन्होंने मुझे अप्रूवल दे दिया। बहुत बड़ी चीज है हमारे लिए और ये सब अमित और नटवर जी की वजह से हुआ है, बाकी हम तो पीछे सबसे आगे यही है और इनकी वजह से ही होंगे। क्या बात है किशोर जी, मतलब ऐसे लोग ज्यादा। किशोर जी के लिए मैं बोल देता हूँ, किशोर जी हमारे एक्स मिलिट्री ऑफिसर है, उन्होंने 15 साल मिलिट्री में काम किया है और उनको भी मैं अमित के साथ लास्ट ईयर मिला था। तो इज बेसिकली फ्रॉम महसाणा एंड राजेश भाई बेसिकली फ्रॉम बड़ोड़ा। थैंक यू। Jamie, what do you have to say about this show? You know, when you are going to host such a massive show in USA, the thing, Superstar and Dance, Superstar. Look, I am very happy because first of all, my career started from the start of a reality show. So, I started on TV Comedy Circus and from there, my career started from the start. So, reality shows are very important. एंड अच्छे टैलेंट को मौका मिलता है कि वो बाहर आए, उनको हम अप्रिशिएट करें, उनको मौका मिले, सो इट्स अ वेरी स्पेशल थिंग। और जैसे आप सब जानते हैं कि मैं कॉमेडी तो करती ही हूँ, लेकिन उससे जब फुर्सत मिलती है तो थोड़ी बहुत डांसिंग कर लेती हूँ, थोड़ी बहुत सिंगिंग भी कर लेती हूँ। तो मुझे अच्छा लग रहा है कि मुझे इस तरह के शो में सर ने सोचा, अमित सर, नकल अंकल, मैं तो अंकल ही गाऊँगी, ये मुझे बचपन से जानते हैं, तो इन्होंने सोचा कि मैं शो को होस्ट करूँ। तो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड एंड ऑफ कोर्स जाहिर है अगर मैं आ रही हूँ तो मेरे साथ कुछ 10-12 कलाकार भी आएंगे, यहाँ सब बैठे हुए हैं, तो उनकी झलकी आप देखेंगे शो पर एंड बहुत सारा फन होगा, बहुत मस्ती होगी। सो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड। थैंक यू। क्या बात है, अक्सर हम जैमी को कॉमेडी करते देखते हैं, ऐसे सीरियस कॉन्वर्सेशन में हमने अक्सर काम देखा है, पर जैमी एक छोटा सा जलवा हो जाए, हमारी मीडिया बहुत उत्सुक है, अगर कुछ चलते फिरते पंच फेंक दे बिफोर वी हैव अ जज ऑन स्टेज। आपकी इजाजत हो तो आशा जी की आवाज में कुछ कह दूं। अरे क्या बात है। देखो गायकी तो बहुत जरूरी होती है, इससे पहले कि मैं कुछ कहूं या गाऊं मैं अपना गला साफ कर लेती हूं। एक गाना गा लेती हूं अगर आपकी इजाजत हो तो। देखो ना लोगों ने बोतलें की बोतलें खत्म कर दी तो कुछ ना हुआ, मगर हम USA में आए तो सर हमारा सौभाग्य है, यू नो यू आर हियर विद अस, सर वाज नॉट वेरी मच स्टिल अलोंग विद सुरेश सर, मैं बुलाना चाहूंगा मंच पे अ वेरी यंग साधना सर को, मैम जोरदार तालियां हो जाए।
acclaimed playback singer with a diverse spanning multiple languages, ladies and gentlemen. And of course, हमारे साथ next judge, Pooja Bhatra ji. जोरदार तालियां हो जाए, ladies and gentlemen. Of course, we all know a very renowned actress, model, and of course, she be in the judging panel. And वो आवाज जो हम सब बहुत मैं अक्सर बहुत चोज करता हूं और मैं कभी नर्वस नहीं होता, मगर इस आवाज को बुलाने के लिए बड़े से बड़ा एंकर होस्ट नर्वस हो सकता है, बिकॉज लेडीज एंड जेंटलमैन इज जावेद जाफरी। सर मैं चाहूंगा कि आप टू ये टोकन ऑफ लव एंड अप्रिसिएशन फॉर आवर जजेस That was it. मैं चाहूंगा कि आप प्लीज ये प्रेजेंट करें टोकन ऑफ लव एंड अप्रिसिएशन टू सुरेश वाडकर साहब। जोरदार तालियां हो जाए ईला मैम टू प्रेजेंट दिस टू साधना सरीन मैम। मैम यहां पे इला मैम, मैं चाहूंगा कि आप पूजा बत्रा जी को प्रेजेंट करेंगे टोकन ऑफ लव एप्रिसिएशन फ्रॉम आर एंड। एंड दिस इज फॉर जैमी आवर होस्ट। जेम ऑफ अ पर्सन जेमी। एंड ऑफ कोर्स इनको इनका नाम लेते मेरी आवाज नर्वस हो जाती है, जावेद जाफरी साहब। मुहूर्त के फंक्शन में आए हैं और मेरे साथ मेरे साथी हाँ मेरे जानी भाई की मेरी भी बेटी है, बिल्कुल बच्चा देखा है मैंने, शादी भी हमारे सामने ही हुई जानी भाई, और जावेद भाई को भी इनके बचपन से देखा हुआ है मैंने, ग्रीन गेट्स में पापा रहते थे, रवि दाते जी कहते हैं साधु, मैंने प्यार से साधु बोलता हूँ, इनको भी 11-12 की उम्र से मैं देख रहा हूँ गाते हुए। पूजा जी को बहुत सारी फिल्मों में देखा है, हमारी भाभी और हमारे नटकट नट्टू भैया अमित जी और हमारे दो भाई राजेश भाई और किशोर भाई, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। 4 साल से हम लोग इस चीज का कम से कम सोच तो रहे थे, मगर वो थोड़ा सा ढका हुआ था पेंडेमिक की वजह से या जो भी रीजन हुए, मगर अल्टीमेटली इस ज्योति ने और एक उभार लिया है, तो भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि इग्नाइटेड प्रोडक्शन का ये जबरदस्त वेंचर सुपर डुपर हिट हो जाए, क्योंकि यूएसए हो जाएगा वो, तो हम भी उसके साथ लगे हुए हैं। वैसे तो नेटवर्क भाई और हम लोग मिलते रहते हैं, साथ में शोज भी करते रहते हैं, बहुत अच्छे लोगों के साथ ये सिलसिला शुरू हो रहा है, जो 100 नहीं 200% सक्सेसफुल होगा। भाई सबको बहुत आदाब नमस्कार एंड वेलकम। मेरे लिए ये बहुत लास्ट मिनट हुआ, जैसे कि नेटवर्क भाई ने कहा कि मैं कल मुझे मिले, किसी वजह से कुछ मेरे हो गया था वगैरह, और जब मैं उनसे मिला और अमित से मिला, तो मैं आई बीन अराउंड फॉर लाइक अभी 40 साल होने आ रहा है। मुझे अमित सर को सुरेश भाई ने मुझे कहा कि मैं जावेद को बचपन से देख रहा हूँ, मेरा रिवर्स होता है,
मुझे बुजुर्ग लोग मिलते मुझे कहते हैं सर आपको हम बचपन से देख रहे हैं तो मुझे अच्छा लग रहा है सुरेश भाई ने कहा किसी ने मुझे बचपन से देखा तो बट एक तो ये कॉन्सेप्ट बिकॉज मूवी आप जानते हैं 96 में इट वॉज द फर्स्ट शो इन द वर्ल्ड नॉट इन इंडिया विच वॉज द फर्स्ट रियालिटी शो लोगों में पता नहीं है तो हो गया नावेद रवि सब मिलकर हमने बड़े मन से किया था और बेसिकली अगर आपने वो देखा होगा तो वो एक ऑर्गेनिक शो था कुछ लिखा हुआ नहीं था कुछ बनावट नहीं थी जैसा हो रहा था हमारे लिए जो पार्टिसिपेंट था वो स्टार था तो हम ये नहीं सोच रहे कि हम किसी को मौका दे रहे वो हमको मौका दे रहे हमारा एटीट्यूड वो था वो आपको स्क्रीन पे दिखता था और अब जब मैं नटवर भाई से मिला और अमित से मिला एक हमको झलक में कहते थे ना कि यू फील यू सेंस इट कि ये सही लोग हैं ये कर लेंगे उनकी नीयत अच्छी है नीयत की बात होती है और मैंने जब देखा कि नटवर भाई खास तौर से एकदम नियत वॉज ही न्यू कि हमको क्या करना है और किस नियत से करना है एंड इट वॉज मुझे बड़ा अच्छा लगा कि अमेरिका में आई थिंक वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडियन डायस्पोरास जो हैं हमारे जो इंडियन NRIs हैं और वहाँ पे सेटल हैं वन ऑफ द लार्जेस्ट टैलेंट का तो एकदम मतलब भरा हुआ है वहाँ पे लेकिन मौका नहीं मिलता जैसे सुरेश भाई ने कहा और मुझे बड़ी खुशी है कि मैं इससे जुड़ा हुआ हूँ और ये आज जो बिकॉज सिमट गई है दुनिया इंटरनेट के जरिए से और आज एक कहीं अरुणाचल प्रदेश में बैठा हुआ बच्चा किसी कैलिफोर्निया में बैठे हुए लड़के से बात कर रहा है सीख रहा है एक दूसरे से सीख रहे हैं इट इज़ सच अ लर्निंग टाइम और दुनिया इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है एंड इसमें टैलेंट भी जो है सिमट गया है तो इंडिविजुअल्स इतनी तेजी से आगे बढ़े हैं और उनका लेवल और मयार इतना बढ़ चुका है सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि ये जो शो होगा अमेरिका में और अमेरिकन टैलेंट को हम देख पाएंगे और सुरेश भाई ने अच्छा कहा कि स्टैंप लग के जब वापस आता है तो जरा वैल्यूएशन बढ़ जाती है उन बच्चों के लिए जो वहाँ से आएंगे होपफुली यहाँ की मार्केट हमारी यहाँ की टेरिटरी में भी एक्सपैंड कर पाएंगे अपने आप को एंड आई रियली लुक फॉरवर्ड एंड थैंक यू नटवर भाई एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड जेन्युइनली दिल से आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी अ सुपर शो इंशाल्लाह सो वी लुक फॉरवर्ड टू दैट खुशी की बात है कि इतना बड़ा सिंगिंग रियलिटी शो और डांसिंग रियलिटी शो जो USA में शूट होने जा रहा है यूनाइटेड प्रोडक्शन हमारे नटवर भाई ठक्कर हमारे इलावेन ठक्कर और ये जो पूरी कोर टीम है बहुत ज़बरदस्त टीम है ये अमित भाई पटेल वेरी टैलेंटेड ही इज़ अ शो क्रिएटर एंड अ डायरेक्टर सो आप सोच सकते हैं कि कितना ये शो का कॉन्सेप्ट है वो कितना खिल के आएगा और बहुत बड़े स्ट्रेंथ है हमारे किशोर भाई और राजेश भाई तो ऐसी टीम है इनके साथ ये जो बड़े दिग्गज है हमारे सुरेश वाड़कर जी पद्मश्री सुरेश वाड़कर जी महागुरु मेरे बड़े भाई और अभी उनको लता मंगेशकर अवार्ड मिला तो मतलब सबसे बड़ा अवार्ड उनको मिला है ऐसा मुझे लगता है मुझे बहुत खुशी होती है और दिग्गज जैसे जावेद जाफरी जी और पूजा जी जैसे टैलेंटेड खूबसूरत एक्ट्रेस जेमी जी जॉनी भाई तो मतलब हमारे बड़े भाई हैं तो मैं हमको वो कहते हैं जॉनी दीदी वो मुझे कहते थे जॉनी दीदी कहो मुझे शी इज़ वेरी टैलेंटेड जेमी जी और चैन भी हैं हमारे साथ तो ऐसी ये टीम है और सात समंदर पार ये शो होने जा रहा है और वहाँ की जो टैलेंट है उनको बढ़ावा दिया जाएगा तो ये सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म उनके लिए होगा जो इंडिया में भी मतलब आजकल कहीं भी कुछ हो जाता है इतना फट से वायरल हो जाता है तो आई एम श्योर कि इस शो की सक्सेस भी ऐसे ही वायरल होगी और आई विश ऑल द बेस्ट टू मतलब ऑल ऑफ अस और आपकी सबकी दुआएं चाहिए थैंक यू सो मच फॉर कमिंग और जब बोगी वोगी हो रहा था तो जावेद जी ने मुझे बुलाया था दो बार डू यू रिमेम्बर So I came as a guest on the show and I used to love Boogie Woogie. And I'm so grateful. मुझे लगा अमेरिका जाने के बाद इंडिया मुझे भूल गया है कुछ तो फायदा हुआ मेरे 21 साल अमेरिका में रहने का कि मैं नटवर जी को मिली और इला बहन को मिली और इन्होंने मुझे ये शो प्रपोज किया था मुझे लगा ओके वन ऑफ दोज यू नो टॉक द टॉक बट लेट्स सी इफ दे वॉक द वॉक And here they are with a fabulous team with Amit, who I really, really am proud of. I met him and I knew he had the guts to do this show. And then when he told me about the team, like Javedji was saying, when Jamie was involved, Javedji, they said they would go talk to him. When Sadhana ji was there, when Suresh ji was there,
I knew this was a solid pillar foundation for a fabulous reality show. So reality shows जो होते हैं वो बहुत transformative होते हैं किसी भी contestant के लिए, जिसको अपना talent दिखाना होता है, confidence नहीं होता है, लेकिन एक platform मिल जाता है जो वो अपना showcase कर सकते हैं. तो ये जो reality show है, जो पूरा इसका premise है कि they want to showcase the talent in the USA of the Indian diaspora, which has never been done before. I am so proud to be a part of it. Thank you so much. Trend setter है. उस time पे जब कोई और reality show नहीं था, मैंने बचपन से देखा हुआ है Boogie Boogie, Boogie Boogie, and मुझे से पहले शब्द यही होते थे boo, TV चालू करो boo, हमको वो देखना है. तो you know we have Javed sir, मुझे comedy विरासत में मिली है, लेकिन हमको पूजा जी विरासत में मिली थी. पूजा जी की मैं बहुत बड़ी फैन रही हूँ उस फिल्म से लेकर, एंड साधना जी की प्यारी आवाज, फर्स्ट सॉन्ग मुझे सुरेश जी का रिएक्शन एक भी बस छोड़ा है हम, यू नो, एंड दैट वो मुझे हमेशा याद है कि हर सात सहेलियों में ज्यादा आया रिमेम्बर. तो साधना जी ने गाए, मुझे तो बहुत नर्वसनेस हो रही है क्योंकि आप मुझे ना जज करते हैं ना बस हम वहाँ पर. बट हाँ, मुझे एंड देन ऑब्वियसली सुरेश सर लेजेंडरी सिंगर हैं, ही इज जस्ट सच अ सीनियर आर्टिस्ट. तो इतने बड़े दिग्गज लोगों के बीच हम रहेंगे, थोड़ी बहुत होस्टिंग करेंगे और इस शो को बस एक लाइव एक एनर्जी दे देंगे. तो बस पूरी मेहनत करेंगे मैं और चैंग, हम दोनों आज आई थिंक चैंग इज जस्ट ऑन हिज वे. बट यस, हम चैंग चाइना से आ रहा है, बट हाँ, हम सुपर सुपर एक्साइटेड एंड थैंक यू अमित, इट इज गोइंग टू बी, आई एम श्योर वी वेरी कॉन्फिडेंट कि आप बहुत ही बढ़िया शो प्रेजेंट करने वाले हैं. एंड मतलब सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? फिजिकल म्यूजिक स्कूल भी था जो पेंडेमिक की वजह से बंद करना पड़ा था, मगर ऑनलाइन हम ऑलमोस्ट सारी दुनिया में आजीवासन सिखाता है. सही मानों में बहुत अच्छा गाने बजाने वाले बच्चे वहाँ पे भी है जिनका जन्म वहाँ का है, मगर जो कल्चर है गाने बजाने का वो उन्होंने उनके घरों ने संभाल के रखा हुआ है. फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, और डांस वाले भी बच्चे बहुत ही अच्छे हैं वहाँ पे. कथकली, भरतनाट्यम, आपके आज का भी जो डांस फॉर्म है वो सब करते हैं बहुत अच्छा. हेलो, मेरा सवाल अमित जी से है. अमित जी, आप सर, इनफैक्ट यहाँ आते आते भी मैं सोच रही थी कि मेरी एक वहाँ पर जो अमेरिका में जो लेडीज होते हैं ना, उनका बड़ा यूनिक सा एक्सेंट होता है. वो उनका अमेरिकन एक्सेंट हो जाता है, पर वो गुजरात से या केनिया से आती है ना, तो वो गुजराती एक्सेंट रहता है, तो वो अमेरिकन मिक्स हो जाता है. हे नोहा, यू ऑलराइट शर, तो ऐसा कुछ अलग सा रहता है. तो ऐसी कोई आंटी, ऐसा कुछ कैरेक्टर हम कर सकते हैं. तो बहुत सारी चीज़ें होंगी, डेफिनेटली बहुत फन होगा. या बस यही है. हेलो, ऐसे में आवाज़ बंद कर देते हैं क्या? ये भी मुश्किल ही है, ये जो कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि दुनिया का कोई भी गायन प्रकार जो है, एक तो फोक के ऊपर बेस्ड है, क्योंकि सबसे पहले फोक आया था, तो उसको सुनते हुए क्लासिकल के राग बन गए थे. तो ये जो बेसिक जो हमारा गाना बजाना है वो है ही क्लासिकल के ऊपर बेस्ड, मगर अभी हमारे पास जो भी बच्चे आएंगे, आप शायद देखेंगे, आप अभी भी रियलिटी शोज जो चल रहे हैं उसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो क्लासिकल गाते हैं, और क्लासिकल गाने वाले बच्चे ही अभी ज्यादा दिखाई देते हैं. सिंगिंग सुपरस्टार,
तो आपका रोल जज है और हमारे साथ बात करने के लिए साथ साथ मैम है, जानी मानी गायिका है मैम। ये जो आप जज कर रही हैं, कितने साल का आपको सिंगिंग का एक्सपीरियंस है, इंडस्ट्री में इतना टाइम हो गया, इंडस्ट्री में अगर कोई एक बदलाव करना चाहेंगे तो वो क्या होगा? आप अपने आप ही इतना बदलाव होते जा रहा है, मैं क्या बदलाव करूँगी? बाकी जो हो रहा है उसके साथ चलना है। लेकिन संगीत की अगर मैं जजमेंट की बात करूँ, संगीत की बात करूँ, तो मेलोडी और अच्छे शब्द वो कायम है। शुक्रिया बात करने के लिए, शुक्रिया, थैंक यू।